उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 3 दिवसीय जल यात्रा का किया शुभारंभ। प्रियंका गांधी ने अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। कांग्रेस के कद्दावर नेता और अमेठी के राजा संजय सिंह सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले का आगाज एक रोड शो से किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। सपा छात्र सभा के प्रवक्ता और 28 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। इटावा जनपद में वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल में की छापेमारी। शिकार करने आए अज्ञात लोग हुए फरार। मौके से एक बाइक सहित एक तमंचा किया बरामद। मध्य प्रदेश के झाबुआ में खाद्य विभाग ने मिठाई के गोदाम पर की छापेमारी। छापेमारी में बड़ी मात्रा में घरेलू सिलेंडर किया बरामद। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। बरेली के मीरगंज में नहीं रुक रहा अवैध खनन। एसडीएम के आदेशों पर पुलिस ने 4 खनन माफिया को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुसूचित जनजाति के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार का किया घोषित। लोकसभा सीट पर 4 बार सांसद रह चुके विधायक लालजीत सिंह राठिया को दिया टिकट। यूपी के संभल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ट्रैक्टर चुराने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। चोरी के साथ ट्रैक्टर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार। बाराबंकी में शादी में शामिल होने आई नाबालिग लड़की के साथ एक बाराती ने किया बलात्कार। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।